दोस्तों, किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान वहाँ के खाने और सर्विस से होती है। यही कारण है कि खाने के शौकीन लोगों की भीड़ अक्सर रेस्टोरेंट में लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कई अजीबोगरीब रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जो अपनी विचित्र थीम की वजह से जाने जाते हैं। और यही कारण है ऐसे रेस्टोरेंट में लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे कि ये टॉयलेट रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में आपको बैठने के लिए चेयर नहीं बल्कि टॉयलेट सीट मिलती है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फिश कैफे। यह रेस्टोरेंट आपको वियतनाम देश में मिल जाएगा। वैसे रेस्टोरेंट के नाम से तो लगता है कि यहाँ फिश की डिश मिलती होगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। यह एक कैफे है और आपको यहाँ बस कॉफी पीने को मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में 3 फ्लोर हैं और ग्राउंड फ्लोर बाकी कैफे की तरह नॉर्मल है, और यहाँ बाकी कैफे के तरह आपको कॉफी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस रेस्टोरेंट को अजीब रेस्टोरेंट का टाइटल इसके सेकंड और थर्ड फ्लोर की वजह से मिला है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इसके सेकंड और थर्ड फ्लोर में। तो दोस्तों, इस रेस्टोरेंट के सेकंड और थर्ड फ्लोर की फर्श में आपको पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा, और इस पानी में समुद्र की छोटी और रंग बिरंगिया मछली रहती है। इस रेस्टोरेंट में कस्टमर को अपने चप्पल जूते उतार के आने पड़ते हैं। उसके बाद लोग अपना पैर पानी में डाल के आराम से कॉफी का मजा लेते हैं। इस तरह का रेस्टोरेंट दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, और इस तरह के रेस्टोरेंट में कॉफी पीने का मजा एक नया एक्सपीरियंस देता है। इसलिए यह रेस्टोरेंट लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। रेस्टोरेंट का पानी डेली चेंज करके उसमें फ्रेश वाटर डाला जाता है, ताकि गंदगी से किसी को इन्फेक्शन ना हो और लोग रेस्टोरेंट आने में संकोच ना करें। टॉयलेट रेस्टोरेंट। अरे नहीं, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इस रेस्टोरेंट में आपको खाने के लिए बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा, लेकिन इस रेस्टोरेंट में डिश को इस तरह सर्व किया जाता है कि उसे देख के आपको खाने का मन नहीं करेगा। इस रेस्टोरेंट का नाम मॉडर्न टॉयलेट है, जो कि आपको ताइवान में मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में आपको बैठने के लिए कोई चेयर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको टॉयलेट सीट पे बैठना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट को बाथरूम की तरह डिजाइन किया गया है। काफी अजीब है ना? लेकिन इससे भी अजीब है इनका खाना सर्व करने का तरीका। यहाँ वेटर आपको खाना टॉयलेट सीट में दिखने जैसे बर्तन में देंगे। और यही नहीं दोस्तों, डिश को भी ऐसे सजाया जाता है जो देखने में वही लगता है जो नहीं लगना चाहिए। इस सब के बावजूद भी यह रेस्टोरेंट काफी फेमस है और लोगों की भीड़ यहाँ कभी कम नहीं होती। सेंट्रल जेल रेस्टोरेंट। दोस्तों, अगर आप बिना क्राइम किए जेल की रोटी खाना चाहते हो तो स्वागत है आपका बेंगलोर में बने इस जेल थीम रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है जो इसे रियल जेल की तरह बनाती है। इस रेस्टोरेंट में वेटर पुलिस की वर्दी में आपको डिश सर्व करते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको काफी नकली राइफल गन भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस रेस्टोरेंट में आपको जेल जैसा खाना नहीं मिलेगा, बल्कि वो सारी डिश मिल जाएगी जो बाकी रेस्टोरेंट में मिलता है। वेम्पायर रेस्टोरेंट। वैसे इसकी गिनती अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में की जाती है, लेकिन यहाँ आने वाले कस्टमर का कहना है कि हमने इस रेस्टोरेंट में बहुत एंजॉय किया। इस रेस्टोरेंट को वेम्पायर थीम पे बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में कस्टमर को डराने के लिए भूतों के स्टैचू और नकली खून से लथपथ भूतों की मूर्तियां रखी गई हैं। साथ ही इस रेस्टोरेंट में मिलने वाली डिश के नाम भी बहुत अजीब हैं, जैसे डेड बैट सूप और ब्लड सूप। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, क्योंकि बस इन डिश के नाम ही अजीब है, लेकिन खाना सिंपल है। इस रेस्टोरेंट में खाना इस तरह से सर्व किया जाता है जो देखने में डरावना दिखता है। आपको बता दे कि हर किसी को इस रेस्टोरेंट में जाने की आजादी नहीं है। इस रेस्टोरेंट में बच्चे और वो लोग नहीं जा सकते जिनका दिल कमजोर है। तो दोस्तों, आपको सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।